बच्चों आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनामाइट जोन ये पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मटेरियल तीन तरीके के फैराडे ने क्लासिफाइड किए थे, डिवाइड किए थे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसमें से डायमैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फिबली मैग्नेटाइज होता है, हल्का सा मैग्नेटाइज होता है। पैरामैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है हल्का सा, और फेरोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होता है। तो डायमैग्नेटिक ऐसा बिहेवियर क्यों करता है ये हम लोग को जानना है। चलिए शुरू किया जाए। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ स्मॉल करंट लूप, जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है वो आपका करंट लूप के बराबर होता है। इट पजेस सम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसके पास अपना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसको हम कैपिटल एम सफिक्स में एल दिखाएंगे। किसके बराबर हो जाएगा? करंट, अमाउंट ऑफ करंट इनटू एरिया ऑफ लूप, इसके बराबर हो जाएगा। और आपको जानना चाहिए डायमैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक एलिमेंट ईच एटम हैज पेयर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इनर सेल में तो ऑलरेडी पेयर होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन भी इसमें पेयर होते हैं। सो दैट पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल has equivalent opposite magnetic moment ML and MS। एक की जगह ML दिखा रहे हैं, दूसरे के लिए MS दिखा रहे हैं। इसको हम वन और टू भी कह सकते थे। सो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम कैंसिल एंड एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉन मैग्नेट इन फ्री स्टेट। जब भी वो फ्री स्टेट होगा वो नॉन मैग्नेटिक होगा, नॉन मैग्नेटिक। ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, सेंटर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर की तरफ घूम रहा है इस तरीके से, वी वेलोसिटी से, तो करंट जो है आप देखेंगे कि
इलेक्ट्रॉन अंदर घूमगा तो करंट चली जाएगी, बाहर लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन है ये, करंट इधर आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ आ गया, राइट हैंड थंब रूल से इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन के अगेंस्ट करंट आएगा, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अपोजिट आ गया। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख रहे हैं कि ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है तो करंट उसके अपोजिट मानी जाएगी, करंट अपोजिट मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, करंट अपोजिट है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका ऊपर की तरफ होगा ms, दोनों इक्वल और अपोजिट होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि सेम रेडियस सेम वेलोसिटी एक ही ऑर्बिट में है, सेम मोमेंटम होगा हर चीज का, और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, फिर चीज बने एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर बाहर से कोई फील्ड नहीं लगी है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका ये जो मैग्नेट होता है वो रेडियस नॉन मैग्नेट, नॉन मैग्नेट एटम जो है नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर करता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड अप्लाइड ऑन डायमैग्नेटिक मटेरियल, तब क्या होगा भाई, तो मैंने कहा समझाया था आपको, ये एटम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन समझाया मैंने, ये इसकी वेलोसिटी बी थी, मैग्नेटिक मोमेंट एम था, और जब यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई हो गया, आप देख रहे हैं करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो करंट किधर हो गया, क्लॉकवाइज हो गई, और चार्ज क्लॉकवाइज हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट बाहर की तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है करंट पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है, फोर्स आप देख रहे हैं इनवर्ड लग रहा है, फोर्स इनवर्ड लग रहा है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर सेंट्रीपेटल लग रहा है, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स एफ था वो एफ प्लस डेल्टा एफ हो जाएगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी भी बी प्लस डेल्टा भी हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट भी एम प्लस डेल्टा एम, मैग्नेटिक मोमेंट भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज कर गया, तो उस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स लगने लगता है, और ऐसा ही दूसरा देखिए जरा, ये इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज घूम रहा था वी वेलोसिटी से, मैग्नेटिक मोमेंट इसका अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही है, अभी क्या होगा, इसमें फोर्स देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ रहा है तो करंट किधर होनी चाहिए, अंदर, फोर्स क्या लग रहा है सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से अवे लग रहा है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उसमें कुछ ना कुछ घट जाता है, डेल्टा एफ घट जाएगा, यहाँ वेलोसिटी घट जाएगी, सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर, रेडियस घटी नहीं, मास घटा नहीं, तो वेलोसिटी घटी होगी, यहाँ वेलोसिटी घट गई, और वेलोसिटी घट गई इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो भी एम ना होकर के एम माइनस डेल्टा एम हो गया। इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि द इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दैट रिवॉल्व स्पीडली, दैट रिवॉल्व रैपिडली ड्यू टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड विच इलेक्ट्रॉन इज डीएक्सीलरेटेड डिक्रीज इन स्पीड विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक मोमेंट अलाउ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोनों कैंसिल नहीं होगा, बल्कि
बल्कि प्रोड्यूस हो जाएगा किधर, किधर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये लिखेंगे इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड ऑन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल देन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड इंक्रीज एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। देन या सो दैट एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज। इतना हो गया एम प्लस डेल्टा एम। वेयर एज जबकि whereas the centripetal force on electron produce magnetic moment in the direction of field decrease so that their velocity and produced magnetic dipole moment also decreases as Fleming left hand rule। Fleming left hand rule से मैं दिखाया आपको कैसे decrease हो जाता है, कितना हो गया m minus delta m हो गया। अब अगर आप combine करें इनको, अगर आप इनको combine कर दें हम बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं पहले का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जो फील्ड के अपोजिट वाला था वो m प्लस डेल्टा m हो गया और उधर जो है m माइनस डेल्टा m हो गया। तो अब द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक एटम एक्वायर्ड टू डेल्टा एम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एस
वेक्टर एडिशन लॉ, ये जो वेक्टर्स हैं और ऐड करेंगे तो अपोजिट आ जाएगा, वेक्टर एडिशन लॉ। तो वेक्टर एडिशन लॉ से फील्ड के अपोजिट यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि जब फील्ड नहीं थी तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम मैग्नेट ही नहीं था, लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये फील्ड के अपोजिट हल्का सा इसमें मैग्नेटाइजेशन मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि अप्लाइड फील्ड के नाते से यहाँ पर लॉरेंज फोर्स लगता है जो सेंटीमीटर फोर्स को बढ़ाएगा या घटाएगा। बढ़ाएगा किसके लिए? उस इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के लिए जो फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस रखता है, और जो फील्ड के अलॉन्ग मैग्नेटाइज रखता है उसमें सेंटीमीटर फोर्स घटता है और मैग्नेटिक मोमेंट घट जाता है। इस तरीके से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन मिल जाता है। जैसे ही फील्ड हटाएंगे मैग्नेटाइजेशन खत्म, एटम फिर से नॉर्मल, क्योंकि फोर्स ही बंद हो गया तो स्पीड भी डाउन हो गई, फिर वैसे ही हो गया। और जब फील्ड लगा देंगे तो अपोजिट मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर होता है और कैसे ये वर्क करता है। इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा, समझिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, जहाँ जो दिक्कत आएगी बिल्कुल कमेंट करिएगा।